हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। बोल तो गाइज, फिर से एक और नई वीडियो लिया है और इसमें भी यार थोड़ा बहुत आपके बारे में, मतलब आप गाड़ी के लिए थोड़ी सी जानकारी है। फिलहाल तो क्या है, हम वैसे ही टाइम पास करने जा रहे हैं और घर की सब्जी वगैरह वो लेने जा रहे हैं। और ये देख सकते हो इधर अपना रोड है ना, काफी खराब हो चुका है भाई। ये देखो, इधर गाड़ी अपनी यही कामयाब हो सकती है क्योंकि छोटी गाड़ी इधर आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा अपना ये जो है रास्ता बह चुका है, मट्टी वट्टी सब बह गई है। अभी रोडे पड़े हैं तो इधर छोटी गाड़ी तो नहीं, समझ लो जा ही नहीं सकती। मेरी बाइक है जो R15, वो भी अड़ अड़ के जाती है। सोचो आप, छोटी गाड़ी का तो कहाँ आ सकती है, एक टायर इधर हो जाता है, एक टायर इधर हो जाता है, पिछला इधर हो जाता है। अब इस पर ये गाड़ी है जो प्रॉपर चल जाती है। फिलहाल ये झाड़ी की है, इसको भी कटवाऊंगा यार, ये गाड़ी के कलर वलर को स्क्रेच कर देगी। और ये देखो काफी जोरदार काटे है भाई, अब सोचो कलर का क्या हाल होगा। करेंगे इसका भी इलाज। अभी क्या है, बारिश का मौसम है और अभी फिलहाल हाल फिलहाल ही बारिश हुई थी और रास्ता देखो कितना बह चुका है, कोई आइडिया नहीं है ये कब तक डटेगा। अगर और तेज बारिश आ जाए तो पूरा केदारनाथ बन जाए ये अपनी जगह। और ये नला जो है, नाला हमारा बहुत, मतलब क्या बताऊँ, 2 हफ्ते पहले बहुत तेज आया था, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी की रील भी बनाई थी मैंने उसमें, ले जाके पानी में जो चल गई थी। फिलहाल हमें अंदाजा नहीं था कि उसमें वही खड्डा भी हो सकता था, लेकिन हम रिस्क पे लेके गए थे अपनी गाड़ी को कि कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, चल जाएगी तो निकल जाएगी, और फंस गई तो फंस गई, वो भी एक वीडियो बनाने के चक्कर में। और अभी फिलहाल वही सब्जी वगैरह ले जा रहे हैं, ले जाने जा रहे हैं, और जो मैं आपको जानकारी दे रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गई छोटी मोटी बातें। तो मैं बात कर रहा था, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसकी बहुत पहले भाई, ये डिस्टेंस की, ये वाला दिख रहा है आपको, 76-77 दिखा रही है। तो इसमें भाई इसका क्या सीन है, ये डिस्टेंस है ना, जीरो भी कर देगी ना तो भी आपकी गाड़ी काफी किलोमीटर तय कर लेगी, मतलब 60 से 70 किलोमीटर तय कर चुकी है, मतलब कर लेगी ये, इतना भरोसा है। क्योंकि इसको मैंने आजमा लिया है और इस गाड़ी को मैंने चला के भी देख लिया है, अपना जीरो डिस्टेंस था और एक, मतलब 2 हफ्ते तक मैंने जीरो डिस्टेंस पे चलाई थी, कुछ भी नहीं दिखा रहा था इसमें डिस्प्ले में कि डिस्टेंस कितना बच रहा है आपका, किलोमीटर कितना बच रहा है, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी। मैं डिपेंड था भाई एक चीज़ पे, वो आपको भी बता देता हूँ। खास बिलोरो के लिए वीडियो है और अपना हैवी व्लॉग वीडियो का और बिलोरो का ही। और ये देख सकते हो, मैं डिपेंड था भाई इसकी तेल की, जो डीजल बनती है ना, इस पर डिपेंड था। इसकी वजह से मैं रिस्क ले रहा था गाड़ी में चलाने के चक्कर में, क्योंकि 26 इंजन है और काफ़ी लोग बोलते हैं और सुनने में आ रहा है कि इसमें 1-1.5 लीटर गाड़ी में होना चाहिए, नहीं तो पूरा खत्म हो जाता है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और कंपनी की जाके मतलब स्टार्ट होती है, लैपटॉप लग के सब कुछ वगैरह वगैरह वो जानते हैं कंपनी वाले। लेकिन मैं डिपेंड था भाई एक ये तेल की बत्ती पे, डिस्टेंस को मैंने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया क्योंकि अपना डिस्टेंस बिल्कुल जीरो था। और फिलहाल वीडियो बनाने के चक्कर में, मतलब डिस्टेंस को चक्कर में वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि आज इसको चला के देख लेते हैं कि जीरो डिस्टेंस है, ये बत्ती जाएगी तेल की तो ही अपन इसमें डीजल डलवाएंगे। तो भाई मैंने 2 हफ्ते तक खूब आराम से चलाया इसको, कम से कम 50-60 किलोमीटर तय कर लिया आराम से, और ये अपनी तेल की बत्ती है ना, 50-60 किलोमीटर चलते ही फिर लबजुब होने लग गई, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने और 20-30 किलोमीटर चलाया, उसके बाद फिर भी चल गई भाई, घर खड़ी कर दी। और फिर दूसरे दिन इसमें डीजल डलवा के लाया था, तो अपनी में सिर्फ 500 रुपये का डीजल लगाया था और 500 रुपये में अपनी ये बत्ती आ चुकी थी और डिस्टेंस बिल्कुल जीरो था भाई, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं आया था 500 रुपये के डीजल में, 5 लीटर डीजल आ चुका था लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल जीरो। फिर उसके बाद 2-3 दिन पहले फिर मैंने 500 का डलाया भाई, 500 का डलाने के बाद फिर डिस्टेंस आया 30 का, क्योंकि अपनी में हो चुका था 10-1 लीटर। तो इसका क्या सीन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जब भी डिस्टेंस जीरो हो जाए और आपको कभी ऐसा डर लगे कि भाई मेरी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, डिस्टेंस जीरो दिखा दिए, तो भाई डरो मत, अपनी तेल की बत्ती है ना इस पे विश्वास करो, और इसके बाद भी चल जाती है ना तो भाई 20-30-40 किलोमीटर अपना आप तय कर जाएगी ये गाड़ी आपकी, क्योंकि इतना भरोसा है मुझे। ये जो गाड़ी अपनी 2024 मॉडल है, ऑप्शनल BS6 V6 बोलेरो, इसके बारे में मैंने पूरी
मैंने पहले भी, मैंने बिलोरो ओनर ही था, वो था अपना BS3 मॉडल, और उसमें भी कुछ ऐसे सेंसर वेंसर का तो कुछ सीन ही नहीं था, और सेंसर वेंसर का कुछ सीन ही नहीं था, और बाकी सादा गाड़ी थी और आराम से भाई तेल बिल्कुल खत्म हो चुका था, और फिर भी मैंने उसको 50-60 किलोमीटर चला लेना था, मतलब चला चला चुका था, और उसमें तेल भी बिल्कुल नहीं था, फिर भी चल जाती थी। तो इस वजह से उसका भी कुछ एक्सपीरियंस है और इसका भी कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, तो मैं बोलेरो पे इस वजह से विश्वास कर रहा हूँ। हालांकि कोई नए नए बंदे आप ले ले तो बोलेरो V6 और जानकारी नहीं है इसके बारे में, भाई डिस्टेंस 0 दिखा रहा है, तेल की बत्ती है तो चलाऊं या नहीं चलाऊं, तो आप इस चीज में कंफ्यूज हो, तो भाई ये कंफ्यूज दूर रख दो, आप तेल बत्ती ये जो आ रही है ना इस पे डिपेंड रहो, बाकी आपका कोई कंफ्यूजन तो सारा दूर हो जाएगा, जो भी आपकी गाड़ी का विश्वास, आप पूरी तरह से गाड़ी पे विश्वास कर सकते हो। तो ये था कुछ अपनी गाड़ी के बारे में, छोटी सी डिटेल डिस्टेंस के बारे में, और मुझे तो भाई ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, ये डिस्टेंस 75 दिखा रही हो चाहे 0 दिखा रही हो, अब ये 0 हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ इससे लेना देना है और कुछ किसी से लेना नहीं लेना है। ये बंद हो जाएगी तो अभी भी 30-40 किलोमीटर चला लूंगा, फिर उसके बाद आप डीजल डलवा सकते हो, इतना भी रिस्क मत लो कि हाँ बत्ती खत्म होगी जलेगी गाड़ी चलेगी, हालांकि बंद भी हो जाएगी, कोई इसमें कह नहीं सकते, इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बातों में जाओ, हालांकि आप करके देख लो। और जो भाई वो एवरेज की बात कर रहा था, तो भाई मैं एवरेज बता देता हूँ, AC में चलाओगे और 50-60 की स्पीड पर चलाओगे तो एवरेज ये 18-17 के करीब दे देगी, उसके बाद ये एवरेज गिराएगी, और जैसे ही आप पिकअप खींचोगे और जैसे कि पिकअप खींचते रहोगे, मतलब रेस बढ़ाते रहोगे, स्पीड से चलाओगे, तो डिस्टेंस तो 0 हो गई होगा भाई, इस ये 0 होगा ना तो आपकी धड़कनें बहुत तेज हो जाएगी, और जो एवरेज देखोगे तो वो भी भाई 9-10 की एवरेज देगी, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस लेके देख लिया जयपुर हाईवे पे और दिल्ली हाईवे पे। फिर भाई मैंने नॉन AC की बात की थी, वो वीडियो बनाई थी, नॉन AC चलाओगे तो भाई आपकी 25+ एवरेज देती है ये गाड़ी, 25+, और वो भी कितनी स्पीड पे, 80-90 की स्पीड पे 25+ नॉन AC, अब सोचो विदाउट AC इतनी काम करती है गाड़ी। तो ये थी छोटी सी वीडियो भाई क्लिप, अभी अपन घर जाके एंड करेंगे, अभी फिलहाल सामान ले लेते हैं, ये छोटा सा व्लॉग है और इसको कुछ चीज चाट दुआ देते हैं, आइसक्रीम वगैरह बारिश का मौसम है फिलहाल कर लेते हैं, तो घर पे मिलते हैं अभी गाइज, सामान ले लेते हैं। तो ठीक है गाइज, ये थी आज की वीडियो, और डिटेल अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो सामने से देखो कैसी लग रही है बोलेरो अपनी, और ये LED है गाइज, ये येलो येलो दिख रही है कैमरे में, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, अपनी LED लली पड़ी व्हाइट कलर की, और अपने अलॉय व्हील अपन ने डलाए नहीं है, वही अपने 15 इंची है भाई, वो कुछ बोल रहे थे कि डलवा लिए नहीं डलवाए, भाई नहीं डलवाए, और कीमत थी उसकी जो कमेंट में बोल रहा था भाई कितने के जा रहे हैं, ये जा रहे थे 35,000 के भाई, फिलहाल 5-6 महीने हो गए इसको पुराने हुए, तो डिटेल कैसी लगी भाई, अगली वीडियो में जल्दी कर लिए, टाटा बाय बाय, देखो भाई गाड़ी कैसी लगी।